हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल्स किचन। आज हम बनाएंगे सिर्फ एक बैग दूध में से एक लीटर आइसक्रीम। पहले हम बनाएंगे रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम एंड कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम। तो शुरू करते हैं रेसिपी। शुरू करते हैं हम आइसक्रीम बनाना। तो उसके लिए मैंने वन बैग यानी 500 मिली फुल फैट मिल्क लिया है। तो ये जरूरी है कि आइसक्रीम बनाने के लिए फुल फैट मिल्क ही लेना है। इसको हम एक वेसल में निकाल देंगे। मिल्क को हमने दो भागों में बांटा है। ये अभी ठंडा ही रखेंगे। इसमें हम सब पाउडर मिक्स करेंगे और इसको हम धीमी आंच पे गैस पे चढ़ा देंगे। इस ठंडे दूध में हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। मेजरमेंट ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो आप अगर इस मेजरमेंट से ये आइसक्रीम बनाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। 1.5 टेबल स्पून GMS पाउडर। ये पाउडर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। तो आज हम कंडेंस मिल्क या कोई भी क्रीम का यूज नहीं करने वाले हैं। ऐसे ही ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छा बनेगा। एंड 1/8 टीस्पून या फिर हम बोले पिंच ऑफ CMC पाउडर। और इन सभी पाउडर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक बात जरूर ध्यान रखें कि हमने जो भी ये सब पाउडर लिए हैं, सभी को हमें ठंडे दूध में ही ऐसे मिक्स करना है। दूध गर्म अभी नहीं करना है। तो ये हो गया है। जो दूध हमने गैस पे चढ़ाया है उसमें हम डालेंगे 6 टेबल स्पून शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये 6 टेबल स्पून एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तो आप उस हिसाब से शुगर ले सकते हो। तो ये मैंने 6 टेबल स्पून शुगर ली है। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और उसको गर्म होने देंगे। शुगर ऑलमोस्ट डाइल्यूट हो गई है। तो ये जो पाउडर का मिक्सचर है, ये मिक्सचर अब हम इसमें डाल देंगे और उसको कॉन्स्टेंटली हिलाएंगे। उबाल आने तक उसको हम ऐसे ही कॉन्स्टेंटली हिलाएंगे। तो इसका एक उबाल आ गया है। ये मिश्रण एकदम परफेक्ट रेडी है। इसमें जरा भी लम्स भी नहीं है। आप देख सकते हो इस दूध को हमें बहुत ज्यादा उबालना नहीं है। बस ऐसे ही अब एक मिनट में हम ये बंद कर देंगे। तो ये हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद उसे 5 से 6 घंटे के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे। तो ये हमारा आइसक्रीम का बेस रेडी है। ये हमारा बेस रेडी है, आप देख सकते हो। तो इसे ऐसे नाइफ से कट करके हम इस बड़े वेसल में ले लेंगे। ध्यान रहे कि बेस ऐसा कड़क हो तभी हमें इसे यूज करना है। ये बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए। इसमें हम 1/2 कप जितना ये व्हिपिंग क्रीम है ये हम डालेंगे और इन सभी मिश्रण को हम बीटर की मदद से बीट करेंगे। तो इसे थोड़ी देर ऐसे हिलाते हुए हमें बीट करना है। दो से तीन मिनट बीट करने के बाद हम इसे आधे मिनट तक रेस्ट देंगे। आप देख सकते हो वॉल्यूम इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है। आधे मिनट के बाद फिर हम 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हुए हम बीट करेंगे और जैसे जैसे ये फ्लफी होता है, ऊपर आता है, हम ये बीटर थोड़ा थोड़ा ऊपर की साइड लेंगे ताकि ये और फ्लफी हो। दो दो मिनट के गैप में मैंने इसे 4 बार यानी कि 8 मिनट तक
इसे ऐसे चन किया है, बीच बीच में आधी मिनट के लिए रेस्ट दिया है, तो इसका वॉल्यूम डबल से भी ज़्यादा हो गया है और आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। तो ये हमारे आइसक्रीम का बेस रेडी है। इसमें आप वेनिला एसेंस डाल के वेनिला या कोई भी फ्लेवर बना सकते हो। तो आज हम दो फ्लेवर की आइसक्रीम बनाने वाले हैं, इसमें से एक तो है रोस्टेड आलमंड एंड कुकी एंड क्रीम। तो इस वेसल को हम फ्रिज में रखते हैं और उसके फ्लेवर की तैयारी करते हैं। रोस्टेड आइसक्रीम बनाने के लिए ये मैंने 3/4 कप जितनी आलमंड ली है और आलमंड को हम मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम आलमंड को करीब 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे। आप देख सकते हो इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ पे थोड़े ब्राउनिश डॉट आ गए हैं, तो ये एकदम परफेक्ट है। तो ये आलमंड हमारी रोस्ट हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये जो आलमंड है उसमें से थोड़ी मैंने ऐसे बारीक काट ली है और थोड़ी आलमंड हम एक मिक्सी बाउल में ले लेंगे। उसमें हम थोड़ा दूध डालेंगे और इसकी एक अच्छी पेस्ट बना देंगे। अभी इसमें थोड़े और दूध की ज़रूरत है, तो हम 2 टेबलस्पून जितना दूध और डालेंगे और उसकी स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो ये हमारी आलमंड की पेस्ट रेडी है, इसे एक बाउल में निकाल देंगे। रोस्टेड आलमंड की दोनों चीज़ें हमारी रेडी है। अब इसी बाउल में हम ये जो क्रीम वाले चॉकलेट के बिस्किट आते हैं वो मैं 5 ले रही हूँ, इसको हम ऐसे तोड़ के अंदर डालेंगे ताकि ये अच्छे से क्रश हो जाए। और ऐसे चॉकलेट चिप्स बिस्किट आते हैं, आप कोई भी ब्रांड के ये बिस्किट ले सकते हो। तो ये बिस्किट भी मैंने 6 जितने लिए हैं, तो इन दोनों को हम अच्छे से क्रश कर देंगे। तो ये कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम के लिए ये मिश्रण रेडी है। दोनों फ्लेवर के आइसक्रीम की प्रिपरेशन हो गई है। ये बेस मैंने फ्रिज में से निकाल दिया है। अब इसमें से हम आधा एक कंटेनर में ले लेंगे। ये जो आधा है इसमें हम जो ये बादाम का हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डालेंगे और इसे एक बार चन कर देंगे। आप देख सकते हो हमने ये चन कर दिया है, तो इसमें बादाम के चंक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। आप चाहो तो इसमें आपके पास बादाम का एसेंस हो तो डाल सकते हो, पर मैं एसेंस और कलर थोड़ा स्किप करती हूँ। अब हम इसमें ये जो हमने चॉप की हुई आलमंड्स है वो हम इसमें डालेंगे। क्योंकि ये रोस्टेड आलमंड है तो इसमें हम बादाम थोड़ी ज़्यादा ही डालने वाले हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और जिसमें सेट करना है वो कंटेनर में हम निकाल देंगे। तो आप ऐसा कोई भी कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर लेना बहुत ही ज़रूरी है, उसमें आप आइसक्रीम को सेट कर सकते हो। तो ये हमारा रोस्टेड आलमंड का आइसक्रीम फ्रिज में जाने के लिए रेडी है। अब हमने जो आधी क्रीम आइसक्रीम का जो बेस है वो साइड में रखा था वो हम ले लेंगे। इसमें हमने ये जो बिस्किट का पाउडर बनाया था वो हम पूरा डाल देंगे और इसे एक बार ऐसे हाथों से और एक बार बीटर से हल्का सा चन कर देंगे। आप देख सकते हो कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम का ये जो बेस है उसकी कलर और टेक्सचर बहुत ही अच्छे आ गए हैं। अब हम इसमें ये मैंने 2 से 3 बिस्किट को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था हाथों से ही, इसे डाल के मिक्स कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, पर अगर ये थोड़ा क्रंची रहेगा तो खाने में बहुत ही अच्छा आएगा। इसे हम कंटेनर में ले लेंगे। तो ये हमारे दोनों फ्लेवर के आइसक्रीम रेडी है। 500 मिली की एक बैग में से अराउंड 1 लीटर जितना आइसक्रीम बनता है। तो इन दोनों डिब्बों को हम बंद करके 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 6 से 7 घंटे के बाद हमारा आइसक्रीम ये अच्छे से सेट हो गया है, आप देख सकते हो। अब हम इसे स्कूप आउट करेंगे। तो मैंने ये रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम का स्कूप लिया है। आप देख सकते हो अंदर भी आलमंड के चंक्स दिखाई दे रहे हैं,
तो इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। बहुत ही अच्छा एंड क्रीमी ये हमारा आइसक्रीम हुआ है। अब हम कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम निकालेंगे। तो तैयार है हमारे दोनों तरह के एकदम क्रीम एंड बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम, रोस्टेड आलमंड आइसक्रीम एंड कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम। एंजॉय।